जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आज हम मुस्लिम क्रिकेट ग्राउंड में हैं और इसके नेट पे प्रैक्टिस सेशन जारी है। तो आप देखेंगे कि छोटा सा बच्चा, अभी उसको एज भी पूछेंगे, उसका नाम पूछेंगे, उसके पापा उसको बैटिंग ड्रिल्स करवा रहे हैं। तो मैं आज उनसे पूछूंगा कि इतनी छोटी सी एज में इतने बड़े कारनामे, इतने बड़ी अच्छी बैटिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या हाल है? ठीक है, से ठीक है। क्या नाम है आपका? अरशान अहमद। अरशान अहमद, आज आप क्या कर रहे हैं? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आप आज किनके साथ हैं? अपने नाना बू के साथ। जी। तो आज इनको आप क्या हार्ड वर्किंग करा रहे हैं? इनको थकाना है आज? नहीं। अच्छा, ये अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो आपके उस्ताद जो आपके सर हैं कौन है? बाबा अंकल। बाबर साहब जो इस एकेडमी के ऑनर भी हैं, एकेडमी को चलाते भी हैं, बड़ा अच्छा उनका नाम भी है। तो आपकी एज कितनी है? 8 years. तो आपका स्कूल? एजुकेटर। और क्लास? 2 क्लास में पढ़ते हैं, वो जबरदस्त। तो आप दिन में कितने घंटा, 2 घंटे देते हैं स्पोर्ट्स को? मैं कभी 12 o'clock तक आता हूँ तो 4 o'clock तक खेलता हूँ, और क्या नाम है, 3 o'clock आता हूँ तो 1 hour। अच्छा, कोई ऐसा बैट्समैन जो आपको बड़ा अच्छा लगे? बाबर आजम। ओए बाबर आजम, यार यहाँ तो सारी दुनिया उसकी दीवानी हुई है, वो अच्छा प्लेयर है। और रिजवान। और कैप्टन भी अच्छा है। जी। तो कैप्टन में थोड़ा सा वो है, 20-20 हार भी गया है। जी। तो थोड़ा दुख हुआ होगा यार, वो उसे रजे तो की है। जी। तो टेस्ट मैच में क्या देखते हैं? टेस्ट मैच में बाबर तो बिल्कुल आज अच्छा खेला है बाबर ने। कितने स्कोर किए? 104। तो इसका मतलब ये मैच ड्रॉ कर लेंगे, बच जाएंगे। वो हार गए पाकिस्तान। पाकिस्तान मैच हार गया। अच्छा, मैं सुबह से ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, सुबह से मैं ग्राउंड में घूम रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता, मैंने मैच को पूछा नहीं, पाकिस्तान मैच हार गया। जी। ये आप बड़ी डिसऑर्डर वाली खबर बता दी आपने मुझे। अच्छा, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जी। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप 11 खेलेंगे, 13 खेलेंगे, 16 खेलेंगे, कितनी मेहनत कर रहे हैं? 13 भी खेलूंगा, 16 भी, 19 भी। अभी कोई आप मैच खेले हो? नहीं। क्लब का मैच कोई भी नहीं खेला? नहीं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बेटा। आप अपने नाना बू के लिए कोई बात करना चाहें? आपको स्पोर्ट को, वालदेन में से स्पोर्ट को, वालद वालदा नाना बू अच्छे कौन लगते हैं? सारे। आप यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? मैं क्या ना, क्लास फैक्ट्री के आगे। क्लास फैक्ट्री से वहाँ से यहाँ आते हैं आप? जी। तो नाना बू आपके साथ लेके आते हैं? ठीक है, बड़ी मेहरबानी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बच्चा माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है, बड़े टैलेंट है इसमें, इसको तो कितनी मेहनत करता है, और क्या इसकी सोच, और क्या इसकी जहन में क्या बात? इसको बस क्रिकेट का बहुत शौक है। तो ये मेरा नवासा है। अच्छा। तो ये रहता भी कराची है, सेम मदर फादर दोनों कराची है। अच्छा। ये हमारे पास में रहता है, हमारे पास में पढ़ता है। तो मेरे बेटे ने और इसका जरा शौक भी बहुत था, तो इसको मैंने ये अकेडमी ज्वाइन करा, अभी 1 महीना हुआ है। अच्छा। तो माशाल्लाह इसको काफी दिलचस्पी है, तो अच्छा कल गिरा है। कल यहाँ पे काफी टूर्नामेंट था, तो बड़े लड़कों ने भी इसको काफी बोलिंग करवाई, अच्छी तेज बोलिंग करवाई, तो गिरा बच्चे में टैलेंट है। अल्लाह ताला करे इसको कुछ कामयाब करे। जी हाँ। तो इसको जो आप करवा रहे हैं, मतलब इसकी ट्रेनिंग वगैरह, सिर्फ नॉकिंग कर रहे हैं या इसके अलावा कुछ रनिंग वगैरह? ट्रेनिंग इनके कोच है जो बाबर साहब, ये इसको प्रैक्टिस भी करवाते हैं, उसके बाद में फील्डिंग भी करवाते हैं, कैचिंग भी सिखाते हैं, सारी चीजें करो। बाबर साहब बड़ी मशाल्लाह बड़ी एफर्ट और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। तो बाबर साहब के बारे में कोई ऐसी अच्छी बात बताइएगा। नहीं, मुझे भी अभी तो यही महीना हुआ है ज्वाइन करके, लेकिन ये कि वो ड्यूटी के लिए भी पाबंद है, और सारे इनके जो प्लेयर्स हैं सबको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं वो। जी हाँ। जी, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि बाबर जो है, बाबर भाई जो, मैं उनसे काफी अच्छे से जानता हूँ, तो माशाल्लाह पिंडी में वो उनका एक क्लब है, यहीं उनका नेट सेशन भी यहीं पे होता है, मेरी काफ़ी उनसे मैच भी हम काफ़ी उनसे खेले हैं। तो बाबर भाई माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।